नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A16e वर्सेस Infinix Hot 11 2022 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo A16e में 6.46 इंच जबकि Hot 11 2022 में 6.56 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo A16e में 2.97 इंच जबकि Hot 11 2022 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Oppo A16e में 0.31 इंच जबकि Hot 11 2022 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo A16e से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo A16e में 175 ग्राम्स जबकि Hot 11 2022 में 199.6 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo A16e से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo A16e में 6.52 इंचेस जबकि Hot 11 2022 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Oppo A16e में 720x1600 और Hot 11 2022 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A16e में 83% जबकि Hot 11 2022 में 84.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo A16e में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Hot 11 2022 में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo A16e में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और Hot 11 2022 की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo A16e में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, और Hot 11 2022 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo A16e में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Hot 11 2022 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo A16e में पावर GE8320 जबकि Hot 11 2022 में Mali G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo A16e में MediaTek Helio P22 और Hot 11 2022 में Unisoc T610 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo A16e में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है, जबकि Hot 11 2022 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo A16e में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Hot 11 2022 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Oppo A16e में 4230mAh जबकि Hot 11 2022 में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Oppo A16e में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें की 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 9,990 रुपीज, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,990 रुपीज में मिलता है। और बात करें हॉट 11 2022 की, तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीज में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो ओप्पो A16e में 5 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 की, तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में हॉट 11 2022 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A33 2020 है, दूसरा Xiaomi Redmi Note 10s है, तीसरा ओप्पो A16 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Note 11 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।